हेलो फ्रेंड्स, जब आप अपना वीडियो शूट करते हैं तो यह ज़रूर ही सोचते हैं कि वीडियो शूट करना कहां से स्टार्ट करें, पहले क्या बोलें जिससे कि आपका व्यूवर आपके वीडियोस को लास्ट तक देखे, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलता है कि वीडियो स्टार्ट कहां से करें और आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, मन में डर लगता है कि क्या बोलें, कैसे शूट करें, और यह सब चीज़ होने के बाद भी आपका अपना वीडियो सही से शूट नहीं हो पाता है, मिस्टेक हो ही जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपको अपना वीडियो स्टार्टिंग में कैसे शूट करना है जिससे कि आपको कोई घबराहट नहीं रहेगी, कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड, यह स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, यह कॉमन समस्या है, या मेरे भी साथ हुआ। स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था, मैं बोल रहा था, फंस रहा था, घबरा रहा था, और बहुत बार तो जानबूझ के भी मिस्टेक हो रहा था। जो मैं जान रहा था वह भी सही से नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि कैमरा फेस करने के बाद दोस्तों आप भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या चीज़ करना है। तो वह धीरे धीरे एक्सपीरियंस से होगा, यानी कि आप स्टार्ट किए, यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको, मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, 10-20 वीडियोस आपकी बन जाएगी, तो आपको धीरे धीरे आपका जो प्रैक्टिस होते रहेगा, जिसके वजह से आप कैमरा के सामने में ऑन फेस करके सही से बोल पाएंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा, आपको कोई घबराहट भी नहीं होगा, साथ में आप लाइन टू लाइन वीडियोस को सही से शूट कर पाओगे। तो आज यदि आपको डर है तो आपका भाई आज वही सभी चीज समस्या को दूर करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर ही बेनिफिट होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम यादव ऑफिशियल। यदि हमारे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड नॉलेजेबल वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीडियो स्टार्टिंग के समय, शूट करने के समय आपको क्या चीज़ करना चाहिए जिससे आपकी घबराहट, आपका डर वो पूरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप क्या कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए, रिकॉर्ड स्टार्टेड नहीं करना है, बट कैमरा के सामने में जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप सोचे हैं, तो उसको बोलिए, या फिर कैमरा ऑन करके भी आप बोल सकते हैं। यदि अच्छा बोले तो वह रिकॉर्ड हो जाएगा, यदि अच्छा नहीं बोले तो वह डिलीट कर देंगे, है ना, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आपसे मिस्टेक भी होगा तो उसको आप डिलीट करके फिर से आप स्टार्ट करके फिर से रेडी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, तो आपको घबराना नहीं, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला है, आपका ही वीडियोज़ है, आपका ही मोबाइल है, आपका ही कैमरा है। यदि चाहो अच्छा बना तो ठीक है, नहीं अच्छा बना तो उसको डिलीट कर देंगे, फिर से शूट करेंगे, है ना। तो यह हो गया दोस्तों कि आपको कैमरा के सामने में कैसे बिना घबराए आपको बोलना है। वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मेरा नाम प्रीतम है, मेरा यूट्यूब चैनल यह है, हमारे इस चैनल पे ऐसी वैसी जैसी तैसी वीडियोस आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, वगैरह वगैरह, यानी कि सब चीज़ उसको बता रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं कि यह कर लीजिएगा, वह कर लीजिएगा। और जो आपका व्यूवर है, वह व्यूवर जिस मकसद से आपके वीडियो को क्लिक किया है, वह तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, जिससे कि आपको स्टार्टिंग में उसको बता रहे हैं ऐसे वैसे कर लीजिएगा, जिससे आपका व्यूवर जो इरिटेट हो जाएगा, वह सोचेगा यार मैं तो अभी जस्ट वीडियोस पे आया हूँ, या खुद अपना ही बता रहे हैं। तो ऐसे आपको वीडियो को स्टार्ट नहीं करना है जिससे कि उसको बुरा लगे, वो दोबारा कभी भी आपके वीडियोज पर नहीं आने वाला है। तो आपको इस तरह से वीडियो शूट करना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो मेन टॉपिक है, जो आपका कॉन्टेंट है, उस कॉन्टेंट को आपको स्टार्टिंग में बोलना है, कि ताकि व्यूअर को लगे कि मैं जिस वीडियो में क्लिक किया हूँ, मैं जिस मकसद से इस वीडियोस पे आया हूँ, वह मेरा मकसद पूरा होने वाला। आप उसको बताओ कि आप इस वीडियोस में क्या क्या चीज़ बताने वाले हो, किस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हो, कि आपके व्यूवर को लगे कि मैं जिस मकसद से आया हूँ, वह मकसद मेरा पूरा होने वाला है। यदि उसका मकसद पूरा होता है तो वह खुद आपके वीडियोस को लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, एंड आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप उसको ऐसी यूजफुल वीडियोज दे सको। तो फ्रेंड, अब आपका सवाल होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में कैसे बोलना है फिर, है ना। तो वीडियो में स्टार्टिंग में आप 30-40 जो सेकंड होता है, उस 30-40 सेकंड में आप अपने वीडियोस में यह चीज़ बताओ कि आज मेरा टॉपिक इससे रिलेटेड है, आज मैं यह चीज़ का जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि उसका जो भी आपका व्यूवर है उसका टाइम वेस्ट ना हो, और आप पे जिस मकसद से आपके वीडियोज पे वो आया है, वह उसका मकसद इस वीडियो से ही पूरा हो जाए, तो वह खुद आपका सब चीज़ करके रख देगा। तो आपको यह चीज़ पहले करना है कि 30-40 सेकंड के अंदर में आपको बताना है
जिस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वीडियोस है उसी वीडियोस के बारे में आप क्या क्या चीज बताने वाले हो। तो सबसे पहला काम आपको तो यह करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप सोचोगे कि लाइक शेयर कमेंट कब बोलेंगे। दोस्तों 30-40 सेकंड के बाद कुछ ऐसा टाइम देखो जिससे व्यूअर का मकसद जो पूरा हो जाएगा, तभी आप बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए यदि ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा, कॉमेंट कर लीजिएगा। ऐसे ही बोले स्टार्टिंग में, ऐसे आपको करना है। उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंटेंट है, उस कंटेंट पे आप कंटिन्यू वीडियोस बनाइए। और उसके बाद लास्ट में भी ऐसा टाइम देख के आप बोल सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो एंड यूजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक लेके आता हूँ। तो फ्रेंड, आप कुछ इस तरीके से यदि वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं तो आपका जो मेन मकसद है, कि आपका जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद आपका भी पूरा होगा और आपका जो व्यूवर है जो चीज सोच के आपके वीडियोस पे क्लिक किया वह भी उसका भी पूरा हो जाएगा। और आप जो सोचते हैं आपका लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब भी जरूर से कर ही लेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आपको अपने वीडियोज को स्टार्ट कैसे करना, एंड कैसे करना है और क्या क्या चीज पहले बोलना है, क्या क्या चीज बाद में बोलना है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू आए तो जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी यूजफुल जानकारी एंड वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।